देखिए, ऑक्टेवियस 130 साल पुरानी इंडस्ट्री है और 130 साल पुरानी इंडस्ट्री में हमारे जो वर्कर्स हैं ये भी 130 साल पुराने हैं। टी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि हमारा एक वर्कर रिटायर होता है तो उसके बाद में उसके बेटे को हम लोग उसको काम में लेते हैं। ये टी प्लांटेशन जो है हम लोग कंप्लीट राइट फ्रॉम फील्ड, जब हम लोग एक तो प्लांट को प्लांट करते हैं, प्लांट करने के बाद में दो साल के बाद में वहाँ से पत्ती लेना शुरू करते हैं। ये जो हैंड प्लकिंग है ना, ये तो बहुत प्रीशियस हो जाएगा अगर हम लोग इससे मशीन करें तो वी आर टचिंग आयरन। उससे क्वालिटी का डिटोरिएशन तो थोड़ा होता है क्योंकि जेंटल उसमें ट्रीटमेंट होता है और मशीन तो मशीन है, मशीन से थोड़ा सा हार्श ट्रीटमेंट होता है। क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है हैंड प्लकिंग, और उस पत्ती को लेके हम लोग बहुत ही जेंटल ट्रीटमेंट देते हैं। पत्ती को कहीं पर भी कोई भी डैमेज ना हो, बहुत टेंडर होती हैं पत्तियाँ, इनको बहुत केयरफुली लेके आते हैं हम लोग फैक्ट्री में। इसकी फर्स्ट ऑपरेशन होती है विदरिंग। विदरिंग में हम लोग मान लीजिए 100 किलो पत्ती है तो उसको 30% वहाँ पर मॉइस्चर इवापोरेट करते हैं। जब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो ये CTC मशीन में कटती है, ग्रैन्यूल्स बनते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट ऑपरेशन होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ टैनिन। मेन चीज़ इसकी अरोमा है, जो चाय में जो खुशबू आती है उसको अरेस्ट करते हैं और फौरन उसको ड्रायर में डाल के उसको अरेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग होती है, पैकिंग होती है, फिर ये ऑपरेशन करते हैं। जैसे चाय बन गई, मान लीजिए विद इन 24 आवर्स में चाय बन गई, उसके बाद पैकिंग के लिए हम लोग कलकत्ता भेजते हैं। कलकत्ता भेजने के बाद में ये हमारे कॉरपोरेट ऑफिस पहुंचती है, वहाँ से फिर रिटेल काउंटर पहुंचती है। तो बहुत जितनी भी जल्दी से जल्दी हम लोग फ्रेश टी अपने कंज्यूमर्स को देते हैं।